बिहार की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ है, वो दौर है हार का ठीकरा फोड़ने का। उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव की खाई और गहरी हो गई है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू के नेता मुखर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अंदर ही अंदर काफी खुश है। पार्टी के एमएलसी ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी हार की प्रमुख वजह है। एमएलसी खालिद अनवर ने सहयोगी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं। इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर ही उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे, जिसके कारण नीतीश कुमार के चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई है। यही कारण है कि बीजेपी को सफलता नहीं मिली। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये हार सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन एनडीए के साथ बीजेपी को इस पर समीक्षा करनी होगी। एनडीए के बड़े नेताओं को इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। उधर बोचहा रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने यहां जो रणनीति बनाई उसमें कुछ भी ठीक नहीं था। पार्टी नेता देवेश कुमार ने चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जल्द इसकी समीक्षा की जाएगी, जो कमी है उसे दूर किया जाएगा। इधर बोचहा के रिजल्ट के बाद वीआईपी में भी खुशी की लहर है। भले ही मुकेश सहनी की वीआईपी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी हो, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी की हार पर खुश हैं। अब विरोधी दलों का तो खुश होना लाजमी है, लेकिन कुल मिलाकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का जो नया दौर शुरू हुआ है वो सरकार के भविष्य के लिए ठीक नहीं।